हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लवली गार्डन। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। आज का मेरा टॉपिक है विंका प्लांट की केयर, और बहुत सारी बातें इसके केयर के बारे में आज हम करने वाले हैं, तो हमारे वीडियो को पूरा देखिए। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट पहुँचाइए। तो गाइस, ये आपके सामने मेरा विंका का हाइब्रिड प्लांट है, देख रहे हैं इसके फूल कितने ज़्यादा खूबसूरत हैं। ये बहुत ज़्यादा बड़ा प्लांट नहीं है, छोटा प्लांट है, लेकिन इसमें बहुत सारी बर्ड आई हैं और बहुत सारी फली भी लगी है सीड की। तो इसके सीड अपने आप ही तैयार होते हैं और पॉट में गिरते रहते हैं, प्लांट भी ग्रो हो जाते हैं। इसे किसी अलग तरीके से जर्मिनेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ये बहुत हार्डी और रफ्टअप प्लांट होता है, जो मुख्यतः पाया जाता है हर जगहों पे, पिंक और वाइट। वो बहुत ज़्यादा रफ्टअप और 6 से 7 साल चल जाने वाला प्लांट होता है, बट जो हाइब्रिड वैरायटी होता है वो 2 से 3 साल तक ही चलता है, और खूब अच्छे अच्छे इसमें कलर आते हैं। ये देख रहे हैं इस कलर का है, बीच में वाइट है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, और इसमें भी बर्ड है। इसके एक फूल गिरे हैं, मैं इसका कलर आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसका कलर ये है, ये दोनों एकदम से डिफरेंट कलर हैं। ये थोड़ा सा मुरझा गया है, इसलिए इसका कलर ज़्यादा खिल के नहीं है, पता नहीं चल रहा है। और ये पिंक वाला है, पिंक या वाइट वाला है, अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई है। ये एक सिंगल प्लांट था तो मैंने ऊपर से पिंच कर दिया, तो इसमें 5 से 6 ब्रांच आई हैं और सभी पे छोटी छोटी बर्ड लगी हुई हैं। तो गाइस, अब इसकी बात कर लेते हैं केयर की। तो आप देख रहे हैं कि मैंने इसे लगा रखा है पॉट में, और मैं इन दोनों प्लांट को 30 रुपये में लेकर आई नर्सरी से। इस प्लांट की मिट्टी की बात कर लिया जाए तो इसकी मिट्टी एक पार्ट गार्डन सॉइल, एक पार्ट सैंडी सॉइल और एक पार्ट गोबर की खाद, और उसमें थोड़ी मात्रा में हम कोकोपीट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये जो हाइब्रिड वाला प्लांट है, ये छोटा सा है, बूसी है, और इसके लिए मैंने जैसी सॉइल बताई है आपको, वैसी ही सॉइल इसको तैयार करना है। स्टार्टिंग में जब हम इसे पॉट में शिफ्ट करते हैं उस टाइम के लिए, फिर बाद में हम इसे मौसम में ठंडापन देखकर इसमें फर्टिलाइज़र ऑफर कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत रफ टफ प्लांट है, ज़्यादा इसको खाद वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट फरवरी लास्ट में या फरवरी बीच में हम इसको फर्टिलाइज़र ऑफर कर सकते हैं, तो ये खूब अच्छे से ग्रो करेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये प्लांट बूसी हो जाए, बहुत ज़्यादा घना हो जाए, क्योंकि जितनी ज़्यादा ब्रांच होगी उतने ज़्यादा फ्लावर लगेंगे, तो आप इसे पिंच कर सकते हैं, खूब अच्छे फ्लावर, और ये प्लांट बूसी बूसी सा दिखेगा। ये देख रहे हैं इसमें फ्लावरिंग हुई है और ये इसकी फली भी बनी है, और बहुत सारी ये हाइब्रिड क्वालिटी की है। इसमें बहुत सारी हर पत्तों के साइड साइड से कुछ बर्ड निकली हुई हैं, और ये भी देखिए, देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इस प्लांट पे मैंने पिंचिंग कर दी थी और ये ऊपर से बूसी हो गया है, देखने में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। साथ ही साथ इस प्लांट की गुड़ाई भी ज़रूरी है। आप देख रहे हैं ये काला काला जो है, ये मैंने पेपर जलाकर पेपर की राख डाल दी है इसमें, और ये देख रहे हैं मैंने चाय की चायपत्ती डाल दी है। चाय की चायपत्ती ऐसी होती है जो हमारे घरों में बनने के बाद बचती है, वो ऐसा वेस्ट मटेरियल है कि हम उसे किसी भी प्लांट में डालेंगे उसका बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव प्लांट पे दिखेगा, उसकी ग्रोथ पे। साथ ही साथ वो मिट्टी को बहुत ज़्यादा पोरस बनाता है, जिससे कि प्लांट की रूट अपने आप को मिट्टी में खूब अच्छे से फैलाते हैं, और प्लांट की हाइट और फ्लावरिंग के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा अच्छा असर पड़ता है। साथ ही साथ इस प्लांट को फुल सनलाइट में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये प्लांट फुल सनलाइट का है ही, क्योंकि ये 12 महीने फ्लावरिंग करता है, चाहे वो ठंडी हो, बारिश हो, या फिर कोई सा भी मौसम हो, ये खूब अच्छे से फ्लावरिंग करता है, इसीलिए इसे सदाबहार कहते हैं, और इसका इंग्लिश नेम विंका है। आप इसे विंका नाम से नेट पर खूब अच्छे तरीके से सर्च कर सकते हैं, या फिर सदाबहार नाम से। और इस प्लांट को कटिंग के थ्रू भी ग्रो किया जा सकता है, बट कटिंग लगाने का सबसे अच्छा महीना फरवरी लास्ट और बारिश का महीना होता है, तो आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। और इसके सीड, ये फ्लावरिंग करता रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग होती है, तो इसकी सीड फ्लावरिंग के बाद इसके सीड गिरते रहते हैं, और
खुद से जर्मिनेट हो जाते हैं, इसको कोई जर्मिनेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अगर आप चाहें कि जर्मिनेट करना तो बस आप इसे ग्रो भी कर सकते हैं, आसानी से ग्रो हो जाने वाला प्लांट है। आप देख रहे हैं मैंने चाय पत्ती डाल डाल के प्लांट की मिट्टी को कितनी पोरस बना दिया है। साथ ही साथ इस प्लांट, अगर ये प्लांट आपको आपके पास नहीं है तो आप कहीं भी इसके प्लांट को देखें तो उसकी कटिंग लाकर आप ग्रो कर सकते हैं। और ये प्लांट सभी जगहों पे आसानी से मिल जाता है, खासकर इसकी पिंक और वाइट वाली वेराइटी हर जगह मिल जाती है। और ये वाले जो हाइब्रिड होते हैं वो आपको नर्सरी से परचेस करने पड़ते हैं, ये ज़्यादा महंगे भी नहीं आते हैं, 10 से 15 रुपये में हाइब्रिड मिल जाता है। और ये वाला तो मुझे 5 रुपये का मिला था, ये पिंक वाला है। अभी इसके फ्लावर नहीं आए, बट इसके पत्तियों के कलर देख के अंदाज़ा हो रहा है कि ये पिंक या वाइट कलर के होंगे। साथ ही साथ गाइस, आज मैं अपने गुलदाउदी की अपडेट भी आपको दे दूं कि देखिए ये मेरी गुलदाउदी है। मैंने बहुत सारा इसको पिंच किया था और ये खूब ज़्यादा दुबसी हो चुका है। और साथ ही साथ मैंने इसमें फूलों का पेस्टिसाइड भी दिया है, देखिए नीचे से भी कितना भूसी है और बहुत सारे यहाँ तक इसकी यहाँ तक प्लांट आ गया है और ये पूरे गमले को कवर कर चुका है। साथ ही साथ जब इसमें फ्लावरिंग होगी तब भी इसकी पिंचिंग होगी तो इसमें कंटिन्यू ब्रांच निकलती ही रहेंगी। तो आई होप ये सब सारे प्लांट आपको खूब अच्छे लगे होंगे। और गाइस, इस विंका प्लांट को आप, अगर आप न्यू गार्डनर है और चाहते हैं कि आपके टेरेस पे हमेशा फ्लावर वाले प्लांट रहे, तो ये विंका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी फैल जाता है और बहुत ज़्यादा रफ्टअप सा प्लांट है, कोई ज़्यादा केयर भी नहीं मांगता है और बहुत ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग करने वाला ये प्लांट है। अगर आप चाहते हैं कि आपके टेरेस पर हमेशा फ्लावर रहें खिले, तो आप इसकी अलग अलग वेराइटी ला कर लगा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और इसका मेडिसिनल उपयोग भी बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही साथ इसके कई सारे कलर भी आपको नर्सरी में आसानी से मिल जाएंगे, ये बहुत ही आसानी से नर्सरी में मिल जाएगा, खासकर पिंक और वाइट कलर वाला। और इस प्लांट को अब कोई ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर आप बहुत ज़्यादा केयर करते हैं तो ठीक है, वरना ये बिना केयर के भी खूब अच्छे से बढ़ता है और हैवी फ्लावरिंग करता है। और इसकी जो लाइफ टाइम है वो भी बहुत ज़्यादा है, ये नहीं कि कुछ ही महीनों में ये ख़राब हो जाए, तो आप इसे अपने टेरेस पे लगा सकते हैं। हमेशा के फूलों के लिए बहुत अच्छा है और ज़्यादा केयर भी नहीं मांगता। तो गाइस, आई होप आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करिए, साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।